आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। तमाड़ विधायक विकास मुंडा के खून के प्यासे हैं नक्सली। कुछ दिन पहले नक्सलियों ने घेर लिया था विकास सिंह मुंडा को, भागकर अपनी जान बचाई। आइए सुनते हैं नक्सलियों द्वारा विकास सिंह मुंडा को घेरने की कहानी उन्हीं की जुबानी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि रमेश सिंह मुंडा की हत्या से एक दिन पहले पिता और पुत्र में क्या बात हुई थी। एक योजना थी वहाँ पर, गांव का नाम था बांदू। बांदू गांव में एक बढ़िया तालाब है पहाड़ के नीचे, तो उसको हम लोग जीर्णोद्धार के लिए देना था। तो उस दिन हम लोग उसी का शिलान्यास करने के लिए हम लोग जा रहे थे, और उसी क्रम में एक चीज़ अच्छा हुआ वहाँ पर कि तालाब में शिलान्यास ना करा करके उससे करीब उनको लगता है 1/2 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि वहाँ जाना संभव ही नहीं था वो, तो एक पेड़ के नीचे वहाँ पर शिलापट को रख करके वहीं पर बोला कि हम लोग अपना लगा लेंगे। आम के पेड़ के नीचे। तो जब शिलान्यास कर रहे थे तो हमारे एक लड़के ने हमको कान में बताया कि भैया पहाड़ के ऊपर कुछ लोग दिख रहे हैं। तो हम बोले कि भाई कैमरा था हम लोग के पास में, तो हम लोग कैमरा से जूम करके देखो क्या है। तो कैमरा से जूम करने के बाद कुछ लोग दिखाई दिए, मुँह में पट्टी बांधे हुए थे और हथियार था उनके पास में। तो खैर हमारे साथ में फोर्सेस थी तो वो अलर्ट हो गई, लेकिन ये तो ये था कि कम से कम हमारे किसी लड़के के नज़र में आ गया वो सब चीज़ें, नहीं तो। और चूँकि हम लोग को ऐसे भी अंदेशा रहता है कि उनके साथ में या फिर ऐसे तत्वों के साथ में, चूँकि शुरू से दिक्कतें तो रही हैं, चाहे हमारे लोगों को भी पहले धमकाने का प्रयास किया जाता रहा है। ये किनकी तरफ से? नक्सलियों की तरफ से सीधे तरीके से, कि आप कई एक बार ऐसा हुआ है कि ये बोल करके धमकाया गया था बहुत विकास मुंडा के कार्यकर्ता में, तो इस तरीके से धमकाने का बारंबार कोशिश किया गया। उसी का नतीजा था कि 2009 के चुनाव में आपको करीब 18 बूथ ऐसे थे जहां पर लेस पोलिंग, मतलब 50 से 100 के बीच में प्रति बूथ में आपको पोलिंग हुआ है, ठीक है। और वो सब बूथ में अगर अभी आप 2014 का रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो सब हमारा लीड वाला एरिया था। तो उस समय इन लोगों के द्वारा किसी न किसी तरीके से कि ना जीतने दिया जाए वो भी कोशिश किया ये लोग। फिर अब जब जीत गए तो फिर भी ये लोग पीछे लगा हुआ है, मतलब ये मेरा हम लोग को इंटरनली महसूस होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज जहाँ इन लोग का एक तरीके से देखा जाए कि तो प्रभुत्व भी घट रहा है, तो इनका तो सिर्फ एक ही हथियार था कि हम जितना जब तक डर का साया बना करके रखेंगे तब तक हमारा प्रभुत्व बना रहेगा। और डर पैदा करने के लिए तो कुछ बड़ा काम करना पड़ता है, और बड़ा काम करना मतलब जिस तरह से पूर्व में घटनाएं क्षेत्र में घटी है कि बड़ा काम करो, बड़ा कांड करो, बड़े लोगों को मारो, तो निश्चित तौर से भाई का माहौल फिर से बनता है। ये सब चीज़ें हम लोग काम करने के दौरान भी महसूस आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में हम लोग वहाँ पर हम लोग जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज भी महसूस होता है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं। पूरी तैयारी के साथ में जाना पड़ता है, पूरी शासन व्यवस्था को पूरा सूचना करके क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करना पड़ता है। नक्सली आपसे नाराज क्यों? देखिए कहीं ना कहीं विचारधारा की तो लड़ाई है। आज उनका एक सीधे तरीके से उद्देश्य था कि भाई किसी क्षेत्र में किसी भी तरीके का विकास करे ना हो, और आप देखेंगे कि जंगल में तरह तरह की कोई भी योजनाएं आती थी उस समय तो बड़ा अवरोध पैदा करते थे काम करने में। हम लोग उसको उलट विचार के हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई वो तमाम एरिया जहां पर आज़ाद होने के इतने साल बाद भी सोचिए, अगर कई एक ऐसे गाँव जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, अगर हम लोग वहाँ पर बिजली पहुँचाने की बात कर रहे हैं, सड़क पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विचार का तो अवरोध है, और उसी विचार का अवरोध था कि हमारे पिताजी के साथ में घटना घटी। और उसी विचारधारा को आज भी हम लोग कंटिन्यू चाहते हैं कि भाई लोगों तक कम से कम व्यवस्था पहुँचनी चाहिए, इसी चीज़ की लड़ाई है और कुछ नहीं है। रमेश जी की जब हत्या हुई थी उसके 2 दिन पहले आप रांची आए थे,
नहीं, रांची हम पहले से ही थे जी। हम दो दिन के मतलब जिस दिन घटना हुई उसके एक दिन पहले हम भुवनेश्वर गए थे जी। ठीक है, तो हम जैसे ही भुवनेश्वर पहुँचे, ट्रेन से उतरे, फिर ट्रेन से उतर के हम होटल लेने के लिए निकले, तो उसी समय हमको, चूँकि हमारे घर से फ़ोन नहीं आया, हमको हमारे मित्र ने फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा बात है, कहाँ हो, वापस आओ जल्दी से। तो फिर हम लोग आनंद फानंद में फिर वहाँ से पहले आपसे कुछ पिताजी से बात हुई। हाँ हाँ, एक लास्ट बातचीत थी हमारे पिताजी के साथ में, क्योंकि हमारे पिताजी पॉलिटिकल फील्ड में थे तो उतना कम समय मिलता था, लेट से आना, तो लोग भी थक जाते थे तो डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन उस दिन बहुत अच्छी बातचीत हुई थी हमारे पिताजी के साथ, वो लास्ट बातचीत थी, बहुत अच्छी तरीके से याद भी है हमको। हमारे पिताजी बेड में लेटे हुए थे, तो हम जनरली गए तो पलंग के नीचे ऐसे पलथी मार के बैठे, और जब बैठे हुए थे तो बहुत तरस था, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ, तो पॉलिटिकल मैटर चाहे फैमिली मैटर, बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। लेकिन उसमें जो प्रमुख चीज़ें जो हम लोग डिस्कशन के, तो कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। उसमें था कि वर्तमान में जो हालात बने हुए थे, जैसे देश में प्रमोद जी का हत्या हो चुकी थी, 5 करोड़ का वारदात हो चुका था, तो उसी डिस्कशन में हमारे पिताजी के बीच में एक ही बात हुई कि हमने कहा कि आपको भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ भय पैदा करना और कुछ नहीं है, और भय पैदा करने के लिए 2 बड़े कांड इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा भय हो सकता है कि आपके अगर आपके साथ में कुछ हो जाता तो और वो भय भय का माहौल बनेगा। हमने जाते वक्त भी कहा था कि आप थोड़ा सा सावधान रहिए अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो यही बातें होती। उन्होंने भी माना कि हाँ ये चीज़ें हैं, और हम खुद भी महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ में भी हो सकता है कि लोग मेरे पीछे में भी, उन्होंने एडमिट करा था इस बात को लेकर के, क्योंकि वो, और दुर्भाग्य देखिए हम लोग का कि उस रात का डिस्कशन होने के बाद में जब हम निकले नेक्स्ट डे भुवनेश्वर के लिए, मॉर्निंग जब पहुँचते हैं 8 तारीख की रात को हमारे पिताजी के साथ में बातें हुई, 8 तारीख को हम शाम को ट्रेन पकड़ के निकले, 9 तारीख को जैसे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इस तरह की उनका खबर मिलता है, और मतलब आज भी उस रात की बातें दिमाग में घूमती है। मतलब कभी कभी होता ना, कोई बात आपने कहा कहने के बाद में, मतलब अनफॉर्चुनेटली वो हो जाता है, तो इसलिए वो मेमोरी ऐसा है कि जिसको आज तक हम लोग भूल नहीं पाते, और स्पेशली हम तो नहीं भूल पाते हैं। तो आपकी जान पे खतरे अभी भी बने हुए हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप पूर्व में देखें तो हमारे पिताजी के नहीं रहने से पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ, किसी न किसी को सीधा बेनिफिट हुआ है। आज भी स्थितियाँ उसी तरह की हैं, ठीक है, कि वहाँ पे और उनकी राजनीतिक विचारधारा को आगे आज के दिन में बढ़ा रहे हैं हम लोग। थ्रेट तो उसी समय से था, पिताजी के हत्या होने के बाद से हम लोग को भी बहुत सावधान रह करके चलना पड़ता था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि आप मुंडू में सोचिए, शाम के 6 बजने के बाद अंधेरा हो जाता था, 7 बजे अंधेरा हो जाता था, तो अंधेरे होने के बाद में दुकानें तक बंद हो जाती थी, कोई आपको रोड में घूमने वाला तक नहीं मिलता था। उस खौफ के माहौल में हम लोग अगर राजनीति कर रहे थे, और सामाजिक जीवन में रहने से आप बंद कमरे में बैठ कर के सामाजिक जीवन में किसी तरह के कार्य कर नहीं सकते हैं, तो उत्साह भी महसूस होता था, लेकिन हम लोग किसी तरीके से अपने आप को बचा करके चल रहे थे। चुनाव में कभी राजा पीटर से तनाव वगैरह भी हुआ था आपका? हाँ, चुनाव में 2009 के समय तनाव हुआ था, और करीब रात के, मतलब एक चुनाव के एक रात पहले की बात है, मतलब वोटिंग से एक रात पहले झड़प हुई थी, पहले तो हमारे लड़कों के बीच में, फिर बाद में हम खुद गए तो खैर वो सामने नहीं आए थे, लेकिन हम जाकर के खुद चले गए, चूँकि हमारे लड़के
मारने का प्रयास किया था, टाउन के अंदर ही मारने का प्रयास किया था, तो उसमें बड़ा झड़प हुआ था रात को। तो झड़प होने के बाद हम खुद पहुंचे तो खैर मामला उस समय शांत हो गया, लेकिन सामना सामने टकराव कहीं टकराव तो रहती थी इसमें। बोलते हैं ना, जरूरी नहीं कि लड़ाई दो व्यक्ति आमने सामने ही रिंग पर लड़े, लड़ाई तो असली लड़ाई तो पीछे होता है।